रियासत है मुत्तहिदा अमरीका ने पहली मरतबा दो कंपनियों को जानवरों की खलियों से बनाए गए चिकन को फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। इस इजाजत से लेबोरेटरी में तैयार करदा गोश्त सार्फिन को पेश करने की राह हमवार हो गई है। एजेंसी के एक तर्जुमान ने बताया है कि अमरीका के महकमे ज़राअत ने एपसाइड फूड्स और गुड मीट की सहूलियात पर फूड सेफ्टी सिस्टम का जायजा लिया और उसकी मंजूरी दी। इन दो कंपनियों से मुंसलिक रेस्टोरेंट्स में ये मसनूआत जल्द ही दस्तियाब होंगी। दोनों कंपनियों को पहले नवंबर में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर किया था, फिर गुज़िश्ता हफ्ते USDA ने उनको प्रोडक्ट लेबल्स को क्लियर कर दिया था। अपसाइड फूड्स की CEO और बानी ओमा वालिटी ने एक बयान में कहा है कि ये मंजूरी बुनियादी तौर पर इस बात को बदल देगी कि गोश्त हमारी मेज़ पर कैसे आता है। ये ज़्यादा पायदार मुस्तकबिल की तरफ एक बड़ा कदम है जो इंतखाब और ज़िंदगी को महफूज रखता है। गुड मीट के शरीक बानी और CEO और जोश चैट्रिक ने बताया कि हमारी कंपनी 2020 में सिंगापुर में लॉन्च हुई और अब ये दुनिया में कहीं भी लैब में तैयार गोश्त फरोख करने वाली वाहिद कंपनी है।